तो है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे काफी ज्यादा बात हुई है बजट में, तो उसमें ये भी हुआ है कि सीधा रिलेशन बनता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड दूसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम में काफी ज्यादा सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसमें बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, जिससे पूरी ईवी सेक्टर को इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। ये भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स खरीदी जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दिया जाएगा टू कम अप विद न्यू बिजनेस मॉडल्स, नए बिजनेस मॉडल निकल के आए इन द बैटरी एंड एनर्जी स्पेस, राइट। तो ये तीनों चीजें ईवी इकोसिस्टम को काफी बूस्ट देंगी। प्लस हमारे वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जिक्र किया, बोला कि सर्कुलर इकोनॉमी से इंडिया का सॉर्ट ऑफ जीडीपी भी ग्रो करेगा और जॉब क्रिएशन भी होगा। और सर्कुलर इकोनॉमी में उन्होंने स्पेसिफिकली बात किया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और लिथियम एंड बैटरी रिसाइकलिंग का। मेरे हिसाब से एंड टू एंड ये बजट काफी पॉजिटिव है क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरमेंट के लिए और रिसाइकलिंग के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने स्पेशल मोबिलिटी जोन भी बनाने की बात की है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव बजट है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए।